नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। बात तो पीएम मोदी की होनी चाहिए, लेकिन जिक्र मॉनिटर मोदी का हो रहा है, क्योंकि मॉनिटर मोदी मौजूदा वक्त में हो ही गए हैं। देश में कहां कौन सी सरकारी योजनाओं का फायदा किसे मिल रहा है, मिल भी रहा है या नहीं, यह नरेंद्र मोदी की एक क्लिक पर है। और मोदी सरकार के 15 अहम मंत्रालयों का काम अब डैशबोर्ड पर आ गया, यानी अब तकनीक के जरिए सरकार सीधे समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सकती है। अब घर घर पहुंचेगी एलपीजी गैस। ये 5 करोड़ परिवारों में रसोई गैस पहुंचाना, इतना बड़ा काम आज मैं गरीब माताओं बहनों के लिए लेकर के आया हूं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ अपने कर कमलों द्वारा रिमोट का बटन दबाकर करें। विकास करके चुकाऊंगा मेरे भाइयों बहनों, विकास करके चुकाऊंगा। मोदी के पास भ्रष्टाचार पकड़ने वाला मॉनिटर। सरकार के हर काम पर मोदी की नजर। एक क्लिक पर पकड़ा जाएगा फर्जीवाड़ा। टीम मोदी की नई वर्किंग टेक्नोलॉजी। जी हाँ, कश्मीर में किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले या फिर कन्याकुमारी में किसी महिला को उज्ज्वला योजना का सिलेंडर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ करें। गुजरात में कोई सड़क बन रही हो या फिर पश्चिम बंगाल में किसी गांव में बिजली पहुंच रही हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक क्लिक पर ये सारी तस्वीरें उनके सामने होंगी। मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। सरकार की योजनाओं का फायदा समाज के आखिरी इंसान तक पहुंचे, बिना भ्रष्टाचार के पहुंचे, सही मायने में जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा सिस्टम ही बदल डाला है, जिसके तहत अब कोई फर्जीवाड़ा नहीं चल पाएगा, कागजातों में हेराफेरी नहीं चल पाएगी, दलालों और बिचौलिए इस सिस्टम के आसपास भी नहीं फटक पाएंगे, अफसर फर्जी तरीके से कामकाज की प्रगति नहीं देख पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों के पास है वो जादुई फॉर्मूला जिसके जरिए वो एक क्लिक पर सारी योजनाओं की प्रगति की सीधी तस्वीरें देख लेंगे। उनके एक विजन है ये, वो ऐसा मानते हैं कि जो गुड गवर्नेंस का एक प्रमुख भाग, गवर्नेंस कैसे हो रही है वो सरकार को उसका ब्यौरा सरकार के पास होना चाहिए। वेलफेयर स्कीम्स हैं जैसे कि, तो वेलफेयर स्कीम्स का जो फायदा है वो सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया को अपनी सरकार के कामकाज में बाकायदा उतार लिया है, जिसके चलते मंत्रालयों के कामकाज का तरीका बदल गया है। मंत्रालयों में अब डैशबोर्ड लग गए हैं, जिनके जरिए इस बात की मॉनिटरिंग की जा रही है कि योजना का फायदा सही इंसान तक सही तरीके से पहुंच रहा है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंत्रियों के साथ बैठकर गरीबों से जुड़ी योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना है या उज्ज्वला नाम की योजना है, जिसमें कि एलपीजी सिलेंडर्स दिए जा रहे हैं उन लोगों को, गरीब लोगों को जो चूल्हे पे खाना बनाते थे, है ना, तो इनका भी एक ट्रैकिंग की एक नई मेथड लॉन्च की है, जिसके अंदर की जियो टैग्ड पिक्चर्स का काम हो रहा है, उपयोग हो रहा है। मोदी सरकार डिजिटल इंडिया के पैटर्न पर काम कर रही है, जहां कामकाज की निगरानी डैशबोर्ड पर की जा रही है, तो निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं। नीति आयोग बिग डेटा एनालिसिस के जरिए 15 मंत्रालयों के कामकाज पर नजर रख रहा है। इसके लिए नीति आयोग में 2 डेटा माइनिंग विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। बिग डेटा एनालिसिस के तहत 15 मंत्रालयों में करीब 4 दर्जन डैशबोर्ड लगवाए गए। आवास, ऊर्जा, कोयला, रेलवे, अक्षय ऊर्जा,
ग्रामीण सड़क और राजमार्ग मंत्रालयों का कामकाज इसी सिस्टम के तहत चल रहा है। डैशबोर्ड के जरिए केंद्र सरकार के कार्यक्रमों पर नजर रखी जा रही है, जिसके चलते पैसों की हेराफेरी, फर्जी लाभार्थी, दस्तावेजों में गड़बड़ी जैसी समस्याएं काफी हद तक दूर हो गई हैं। बिग डेटा एनालिसिस ने सरकार के कामकाज करने के तरीकों में क्रांति ला दी है। इंडिया टुडे पत्रिका के ताजा अंक में मॉनिटर मोदी शीर्षक से छपी रिपोर्ट में बिग डेटा एनालिसिस तकनीक कैसे काम कर रही है, इसके बारे में तफसील से बताया गया है। इसकी कुछ नजीर आप यहां भी देख सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के डैशबोर्ड पर लाभार्थी के चयन से लेकर मकान निर्माण तक का पूरा डाटा तस्वीरों के साथ मौजूद है। आवास सिर्फ जरूरतमंदों और पात्रों को मिले, इसका फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत किन किन लाभार्थियों को गैस चूल्हे के साथ एलपीजी सिलेंडर मिले हैं, सबकी तस्वीरों के साथ आंकड़े मौजूद हैं। मनरेगा की मॉनिटरिंग के लिए बने डैशबोर्ड पर कहां कहां कौन सा काम चल रहा है, सबकी जानकारी तस्वीरों के साथ मौजूद है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना मंत्रालय के डैशबोर्ड पर तस्वीरों के साथ ये डाटा मौजूद है कि रोजाना कितने किलोमीटर सड़क बन रही है। जहाज रानी मंत्रालय में विदेश जाने वाले हर जहाज की जांच के बाद उसकी तस्वीर टैग की जा रही है, जिसकी मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पर हो रही है। बिजली विभाग और कोयला खनन की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पर हो रही है। पहली बार ड्रोन का उपयोग हो रहा है देश के अंदर, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन से उसमें ब्रेकडाउन होता है तो ड्रोन उसको ट्रैक करता है। लाइन्स मिलो तक है, वहाँ कहीं लोग नहीं है, उनको ट्रैक करना तो ड्रोन उसको ट्रैक करता है। फिर माइनिंग सेक्टर के अंदर चोरी का एक बहुत बड़ा मसला है, तो चोरी को ट्रैक करने के अंदर भी ड्रोन का उपयोग हो रहा है। इंडिया टुडे के डिप्टी एडिटर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 साल के कार्यकाल पर मार्चिंग विद अ बिलियन नाम की किताब लिखने वाले उदय माहूरकर ने मोदी सरकार की बिग डेटा एनालिसिस के जरिए कामकाज को नजदीक से देखा है। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की उस बात को ध्यान में रखे हुए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था केंद्र से भेजे 1 रुपए में से सिर्फ 15 पैसा ही जनता तक पहुंचता है। राजीव गांधी ने बड़ी ईमानदारी से आज से 20 या 25 साल पहले ये कहा था कि मैं 1 रुपया में जब यहाँ से रिलीज करता हूँ तो मैंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन 15 पैसे से ज्यादा पहुंच नहीं पाता। लगता है उसको श्री नरेंद्र मोदी ने उसको अपना मंत्र बना लिया। मोदी सरकार का ये तकनीकी कदम अभी शुरुआती दौर में है, आने वाले दिनों में इसका इस्तेमाल और बढ़ेगा, जिससे न सिर्फ भ्रष्टाचार का कीचड़ साफ होगा बल्कि केंद्र सरकार तक आखिरी व्यक्ति की सीधी पहुंच बनेगी। इंडिया टुडे रिपोर्ट के साथ आज तक ब्यूरो। मॉनिटर का मतलब शायद यही होता है क्या कि यहां खड़े होकर आखिरी शख्स तक देख लिया जाए, जो काम सुनाया जा रहा है, कहा जा रहा है, उसे समझ लिया जाए, कह सकते हैं। और ऐसे में मौजूदा वक्त में तो बिग डाटा बेस खासा काम करता है, और शायद यही वजह है कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कैसे कसी जाएगी, अब भ्रष्टाचारियों के लिए तो मुश्किल आ ही जाएगी। कोई फर्जी आंकड़ा दे नहीं पाएगा क्योंकि डाटा बैंक साथ में है। मोदी सरकार में बिग डेटा एनालिसिस सिस्टम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल कर रहे हैं। मंत्रालय के हर दिन के कामकाज पर निगरानी के लिए उन्होंने 13 डैशबोर्ड लगवाए हैं, जिन पर मंत्रालय की योजनाओं की प्रगति दिखती है। साथ ही डैशबोर्ड पर ही लाभार्थियों की जियो टैग वाली तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं। पीयूष गोयल के पास ऊर्जा, खनन, कोयला और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय है। हर मंत्रालय का कामकाज उनके डैशबोर्ड से जुड़ा है। मेरिट इंडिया नाम का डैशबोर्ड इस बात पर नजर रखता है कि राज्य ऊर्जा आयोग सबसे कम दाम वाले स्रोत से बिजली खरीद रहा है या नहीं। विद्युत प्रवाह डैशबोर्ड इस बात पर नजर रखता है कि पूरे देश में समान और वाजिब दरों पर बिजली मिल रही है या नहीं। गर्व डैशबोर्ड पर आधार कार्ड के जरिए बिजली कनेक्शनों पर नजर रखी जा रही है। डैशबोर्ड से मॉनिटरिंग का फायदा ये हुआ है कि पहले आसानी से बिजली पाने वाले देशों में भारत का नंबर जहां 99वां था, वहीं अब भारत 26वें नंबर पर आ गया है। पीयूष गोयल ने तो चारों मंत्रालयों में बड़ी योजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए एक अंदरूनी डैशबोर्ड भी लगवा रखा है, जिसका एक हिस्सा रंगों के जरिए कामकाज की प्रगति दिखाता है। डैशबोर्ड पर हरा रंग आने का मतलब है काम चल रहा है। अगर डैशबोर्ड पर नीला रंग दिख रहा है तो इसका मतलब है कि काम में देरी हो रही है।
डैशबोर्ड पर अगर नारंगी रंग दिख रहा है तो इसका मतलब काम में थोड़ी सी देरी हो रही है। पीले रंग का मतलब है काम में 30 दिन या उससे ज्यादा की देरी हो सकती है। डैशबोर्ड तो करीबन 4-1 dozen डैशबोर्ड होंगे अभी तक। सब में अच्छा उपयोग डैशबोर्ड का किया है पावर पीयूष गोयल जी ने, जिनके पास पावर, कोल, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और माइंस, इससे चार पोर्टफोलियो हैं। चारों के लिए वो डैशबोर्ड का उपयोग करते हैं। 12 डैशबोर्ड है उनके पास ट्रैक करने के लिए, और एक डैशबोर्ड ऐसा है जो चारों मिनिस्ट्री को ट्रैक करता है। तो डैशबोर्ड का मतलब ये हुआ कि उसमें रियल टाइम पिक्चर या नियर रियल टाइम, रियल टाइम मतलब उसी दिन अगर वो फोटो पोस्ट कर दिया जाता है, दैट इज नोन एज रियल टाइम। और अगर 2 या 3 दिन के बाद पोस्ट होता है वो पिक्चर या जो डिटेल्स है, उसको कहा जाता है नियर रियल टाइम। केंद्र सरकार की डिजिटल क्रांति के तहत बिग डेटा एनालिसिस के जरिए ग्रामीण आवास योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। सरकार ने 2019 तक गरीबों के लिए 1 करोड़ पक्के मकान का लक्ष्य रखा है, जिसमें 2016-17 में 32 लाख पक्के मकान बन चुके हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कैसे पात्र लोगों तक सरकार ग्रामीण आवास योजना का फायदा पहुंचा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना की निगरानी आवास सॉफ्ट डैशबोर्ड पर करता है, जहां लाभार्थी के चयन से लेकर मकान के बनने तक का पूरा आंकड़ा है। 8 चरणों में इस योजना पर निगरानी रखी जा रही है। सरकार के डैशबोर्ड पर 2011 और 2015 के सामाजिक आर्थिक सर्वे के आधार पर बेघर और कच्चे घर वालों का आंकड़ा मौजूद है। सरकार ग्राम सभा सर्वे की सूची से सही लाभार्थी का मिलान करती है, अयोग्य लोगों को लिस्ट से बाहर कर देती है। फाइनल सूची आवास सॉफ्ट डैशबोर्ड पर पोस्ट की जाती है। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ये सूची भेजता है, जिसके जरिए जिला प्रशासन तक ये सूची पहुंचती है। मनरेगा जॉब कार्ड नंबर के साथ लाभार्थी के खाते का ब्यौरा डैशबोर्ड पर आता है, जिसे आवास ऐप पर जियो टैग किया जाता है। निर्माण का हर चरण पूरा होने पर लाभार्थी के खाते में किश्त जमा होती है। काम के हर चरण की तस्वीर आवास ऐप के जरिए ली जाती है। मकान बनने के बाद आवास ऐप के जरिए जांच होती है, फिर डैशबोर्ड पर मकान मिलने की सूचना डाल दी जाती है। ये पूरी प्रक्रिया इतनी सिस्टमैटिक और पारदर्शी है, जिसमें बिचौलिए और दलालों की भूमिका पूरी तरह खत्म हो जाती है। सही पात्र तक योजना पहुंचती है, क्योंकि योजना की हर जानकारी, हर तस्वीर डैशबोर्ड पर होती है, लिहाजा कहीं से किसी चूक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। इंडिया टुडे रिपोर्ट के साथ आज तक ब्यूरो। तो मॉनिटर तो वही होता है जो सबकी सुन भी ले और उस लिहाज से तय भी करे कौन सी रास्ता ठीक, कौन सी स्थितियां ठीक। तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार को डिजिटल क्रांति से जोड़ रहे हैं। तकनीक साथ खड़ी है। तकनीक के जरिए हाशिए पर पड़े लोगों तक पहुंचने की कवायद हो रही है। सरकार का नजरिया है, पीएम का नजरिया है, और ऐसे में मॉनिटर हैं तो फिर क्या वाकई उनकी हथेली पर देश है? मैं बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूं, बड़ा बनने के लिए नहीं। कुछ बड़ा करने की तमन्ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोने नहीं देती। मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो रात में चाहे जब भी सोएं, लेकिन सुबह 4 बजे जग जाते हैं। प्रधानमंत्री के दिन की शुरुआत 1 कप अदरक वाली चाय और योग से होती है। इसके बाद वो अखबार जरूर पढ़ते हैं, ताकि देश दुनिया की खबरों से वाकिफ रहे। प्रधानमंत्री सुबह 9 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं, जिसमें गुजराती व्यंजन ही ज्यादातर होते हैं। प्रधानमंत्री को खिचड़ी, कढ़ी, उपमा, खाकरा खाना पसंद है। सुबह 9:30 बजे तक वो अपने दफ्तर में पहुंच जाते हैं, और फिर लंच भी काम के बीच ही होता है। ऑफिस में देर रात तक उनकी मीटिंग्स चलती रहती हैं। बढ़ती उम्र में प्रधानमंत्री की चुस्ती और मेहनत लोगों में ये कौतूहल जगाती है कि वो 66 साल के बुजुर्ग हैं या फिर जवान। आज तक ब्यूरो।